वीडियो पे मुझे चाहिए 2 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 3 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 4 मिलियन लाइक्स। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दोस्तों देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है, क्योंकि इन्हें लगता है ये एकमात्र प्रजाति है इस धरती पर जो देश हित में सोचते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अवार्ड वापसी करते हैं, देश में असुरक्षित महसूस करते हैं, फिर भी देश में रहते हैं और ये खुद को सेकुलर भी कहते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो आइए दोस्तों स्वागत करते हैं मेरे सबसे खास और बहुत टैलेंटेड और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान द कुणाल कैमरा। ये क्या चुतिया पाए? क्या हुआ, गाली देने का मन कर रहा है इसका फोटो देखकर? दो 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 भड़वा साला। नहीं दोस्तों आपकी गलती नहीं है, मुझे मालूम है ऐसे लोगों का ना शकल देख लो या नाम सुन लो मन करता है कितनी गालियां दे दे, आत्मसंतुष्टि मिलती है और द बेस्ट पार्ट दोस्तों आप इनका पेट भरते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पहली बातें पर और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। इस बंदे को ना उंगली करने की इतनी आदत है दूसरों पे नहीं किया तो खुद के अंदर ही करने लगता है। ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? लेकिन नहीं, कौन समझा है अपन वोट उसी को दे सकते हैं जो बंदा चुनाव में खड़ा हो। भाई कुणाल ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था मोदी को एक टाइम पर, लेकिन किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। ये आपको पता है जब LGBTQ कानून पास हुआ था, भाई मैं मिला था कुणाल से, भाई इतनी मिठाइयां बांटी थी मोहल्ले में तुम क्या जानो। मैं बोला यार कुणाल तू इतना ज्यादा खुश क्यों है? बोला यार जो छुप छुप के करता था आप खुले आम कर सकता हूं। लेकिन आप कुणाल को गलत कुछ नहीं बोलोगे भाई, कुणाल बहुत टैलेंटेड बंदा है। मैं बता रहा हूं वो मोदी से नफरत क्यों करता है। अब बंदे को है हर जगह हगने की आदत, जहां मौका मिला वहीं हक देता है। अब बताओ ऐसे बंदे को अगर हर जगह शौचालय दिखेगा तो बुरा मानेगा क्यों? एक दिन दोस्तों मेरे को कुणाल मिला, कुणाल का पिछवाड़ा काफी सूजा हुआ था। मैं बोला यार कुणाल क्या हुआ है, पिछवाड़ा क्यों सूजा हुआ है? बोला यार बहुत दर्द है। मैं बोला हाँ ठीक है वो तो दिख रहा है लेकिन क्या हुआ? बोलता यार मेरे साथ धोखा हुआ। मैं बोला किसने किया तेरे साथ धोखा? बोला यार बोले हॉलीवुड में मूवी में काम मिलेगा और शॉर्ट फिल्म में काम दे दिया। मैं बोला यार बुरा तो हुआ लेकिन ठीक है ना, शॉर्ट फिल्म में तो काम करने को मिला तो धोखा क्या हुआ? बोला नहीं यार उसमें ना जॉनी सिंस काम कर रहा था। मालूम ना कैसा लेते फिर टपा टप टपा टप टपा टप, अभी बता था भाई। सही सोचे आप, मतलब बंदा इतना है, इतना नफरत का लेवल है कि अपने बाप तक को पहचाने से मना कर दिया कि मोदी ने बोला है। एक बार ऐसे ही जा रहा था और उधर से मैं बोला यार कुणाल तेरे पिताजी आ रहे हैं उधर देख, देखा तब तक बोलता वो मेरे पिताजी हैं। मैं बोला हाँ मोदी जी तो यही कह रहे थे। बोलता नहीं मेरे पिताजी नहीं हूँ। जब आज इस घर में घुसना नहीं, अरे पप्पा जी बोल हराम कर। एक बार ऐसे में जा रहा था और रास्ते पर देखा कि एक कचरे का डब्बा है और वहां बाजू में कुणाल बैठा हुआ है। मैं बोला क्या हो गया भाई तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? बोला नहीं यार घर पे नहीं जा सकता। मैं बोला क्या हुआ? मैं बोलता यार घर का रिंग बेल जो है ना वो बदल दिया गया है। मैं बोला तो? बोला पप्पा फिर बार बार बाहर फेंक देते। मैं बोला कैसा मतलब? मैं गया उसके घर पे, मैं रिंग बेल बजाया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल,